स्वागत है दोस्तों आप सबका आईजी ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू। तो पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर ले। वीडियो यदि आपके लिए अच्छा है तो लाइक कर दे, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट टू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ जो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, कैसे हम लोग इजीली कुछ कुछ इक्वेशन जो ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसको बिना सॉल्व करे देखें, जस्ट देख के ही हम लोग उसका जो रिलेशन होगा उसको हम लोग आंसर मार्क कर सकते हैं। तो क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू गेट द साइन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं उसको। सो आज हम बेसिक में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड साइन ऑफ द रूट्स, मतलब कि एक्स का जो दो वैल्यू आता है उसमें एक्स का क्या क्या साइन हो सकता है, पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, या दोनों निगेटिव होगा। तो इक्वेशन को देख के ही वैल्यूज तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा, बट साइन का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या इसका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए भी बी भी और सी भी तीनों क्वांटिटी जो है पॉजिटिव है, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला जो रूट होगा रूट वन, मतलब कि इसको रूट वन को एक्स वन से लेते हैं, एक्स वन का जो साइन आएगा ना, एक्स का जो कॉफिशियंट है ना उसको अपोजिट कर दें, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दें, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का रूट क्या है, एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है तो इसको अपोजिट करना है, तो पहला का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव, ठीक है। दूसरा का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, अब देखिए, अब सी का साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सी का साइन क्या है आपका, आया पॉजिटिव, ठीक है। तो सी के साइन को पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या, एक तो निगेटिव आया लेकिन आपको करना क्या है, सी का साइन पॉजिटिव लाना है, तो निगेटिव को क्या करना पड़ेगा, ये भी निगेटिव, मतलब निगेटिव आपके पास है और उसे आपको पॉजिटिव लाना है, तो क्या कर सकते हैं, निगेटिव में निगेटिव से गुणा करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। मतलब कि इस टाइप के फॉर्म का ना आपको हमेशा जो दोनों रूट्स का जो साइन होगा हमेशा निगेटिव में होगा। कैसे होगा, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए इक्वेशन है 3x² प्लस 8x + 4 इज इक्वल टू जीरो, तो 4 3 12, 8 को हम लोग 6 और 2 में डिवाइड करेंगे, फिर इसको क्या, x² के कोफिशियंट के निगेटिव से आपको भाग देना पड़ेगा, तो क्या आएगा, इसका साइन क्या आएगा, इसका भी साइन निगेटिव आया और इसका भी साइन निगेटिव आया, ठीक है। तो दोनों का साइन निगेटिव आया, आपको बताए थे कि जब तीनों का साइन पॉजिटिव हो तो ये क्या होगा, आपको करना क्या है, यहाँ पे केवल ये ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, बी के साइन को निगेटिव अपोजिट कर दीजिए, तो बी का साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो पहला रूट का साइन क्या आएगा, निगेटिव, और आपको दूसरा रूट के साइन लेने के लिए आपको क्या, सी का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव तो आया है लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए आपको क्या, निगेटिव में निगेटिव से ही गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका दोनों रूट जो होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है, इसका दोनों रूट क्या होगा, निगेटिव होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट वाला, एक और दूसरा फॉर्म ले, तो दूसरा फॉर्म ये है ax² - bx + c इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए बी सी जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ए बी सी इज ग्रेटर देन जीरो, सो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब पहला जो होगा x1 का साइन क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाला कोफिशियंट क्या है, निगेटिव है, तो x1 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन सी के साइन क्या है, पॉजिटिव, सो पॉजिटिव से पॉजिटिव लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव लाने के लिए पॉजिटिव में पॉजिटिव से ही गुणा करना पड़ेगा, तो दूसरा रूट भी आपको पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, x² - 5x + 6 = 0, इसको हम लोग -3 और -2 में ला सकते हैं, इसका रूट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोनों रूट का साइन पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है, इसका मतलब कि इस दोनों रूट का जो साइन आएगा पॉजिटिव आएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला, जिसमें प्लस और माइनस का कुछ आता हो, तो दूसरा फॉर्म देखते हैं। तो इसमें हम लोग साइन कैसे निकालते हैं, जैसे पहला रूट का साइन क्या होगा, एक्स के कोफिशियंट को हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, यहाँ प्लस है तो निगेटिव कर दिए, और दूसरा का रूट का साइन क्या आया, आपको निगेटिव ही लाना है, निगेटिव ऑलरेडी है, निगेटिव से क्या गुना कीजिएगा ताकि आपको निगेटिव आए, तो पॉजिटिव गुना करना पड़ेगा, तो दूसरे रूट का साइन क्या आ जाएगा, आपको पॉजिटिव आ जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 5x को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 लिख सकते हैं, तभी तो 6 और 1 माइनस 1 का गुणनफल क्या आएगा, माइनस 6, और 6 और माइनस 1 5 आ जाएगा। अब इसका रूट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट के निगेटिव से भाग देना पड़ेगा। देखिए अब एक क्या आया, ए वाला चीज़ क्या आया आपको, पॉजिटिव आया, दूसरा रूट क्या आया, निगेटिव आया। ठीक है, एक और फॉर्म बच जाता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक और दूसरा फॉर्म क्या है, तो दूसरा ए है, देखिए ए वाला एक और फॉर्म है, चौथा फॉर्म। इसमें क्या है, एक जो पहला रूट का साइन क्या होगा, एक से कोफिशियंट को निगेटिव कर देंगे, मतलब कि पॉजिटिव है तो क्या आएगा, निगेटिव। और दूसरा रूट क्या होगा आपको, निगेटिव, यहाँ पे सी का साइन क्या है, माइनस है, तो निगेटिव में क्या से गुना कीजिएगा तो माइनस आए, ये पॉजिटिव ही आएगा, तभी आप निगेटिव से पॉजिटिव को गुना कीजिए तभी निगेटिव आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ एग्जाम्पल लेके आप देखिएगा, आपको एक रूट निगेटिव आएगा और दूसरा रूट जो है पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इसको क्यों बताए हैं, इसके ये तो आपके काम का चीज़ ज़्यादा है नहीं, क्यों बताए हैं, क्योंकि इस पर कुछ ट्रिक्स बनते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट वन में मैंने दो क्वेश्चन में बोला था कि इसको बिना सोल्व किए ही बता सकते हैं कि जो एक्स का वैल्यू वाई से बड़ा है या वाई का वैल्यू एक्स से बड़ा है। तो इसका चारों केस देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल क्या खूबसूरती है इस साइन को निकालने का, जो साइन में निकालने में मैं जो भी 10-15 मिनट बर्बाद किया उसका क्या मोटिव था, तो उसको देखते हैं क्या मोटिव था उसका। अब देखिए यही वाला चार चीज़ आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये चार फॉर्म का आपको दिखाए थे रूट क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या है, प्लस है, तो पहला रूट तो निगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव से ही, तो इसका दोनों रूट निगेटिव होगा। इसका क्या है, पॉजिटिव है, तो पहला रूट क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट निगेटिव, लेकिन आपको निगेटिव लाना है तो निगेटिव में पॉजिटिव से गुना कीजिएगा तभी निगेटिव आ जाएगा। तो मतलब एक रूट निगेटिव, दूसरा रूट पॉजिटिव आया। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका अपोजिट साइन करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, बट प्लस ही लाना है, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे, मतलब पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। इस इक्वेशन में क्या है, इसको अपोजिट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपको निगेटिव लाना है, तो पॉजिटिव में निगेटिव से गुना करेंगे तभी निगेटिव आएगा, तो पहला पॉजिटिव दूसरा रूट निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लोग को एक कंक्लूजन आ रहा है, देखिए कंक्लूजन ये है कि कंक्लूजन को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि वेन एवर साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी, सी बोले तो क्या, कॉन्स्टेंट टर्म, वेन एवर साइन ऑफ सी इज निगेटिव इन टू इक्वेशंस, यदि आपको दिया जाएगा, दो इक्वेशन ही दिया रहेगा तभी आपको एक्स और वाई में रिलेशन पूछता है, वो आपको बताना पड़ता है। तो जब भी दोनों इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है ना उसका साइन निगेटिव हो, तो वहाँ पे हमेशा आंसर जो होगा नो रिलेशन, हमेशा उसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों नो रिलेशन होगा, देखिए इस चार फॉर्म में सेकेंड और फोर्थ में सी का क्या है, साइन निगेटिव है, तो इसमें देखिए इसको हम लोग नंबर लाइन पे ले रहे हैं, हम लोग को वैल्यूज पता नहीं है बट नंबर लाइन पे ले रहे हैं, यहाँ जीरो ले लेते हैं, मतलब कि जीरो से लेफ्ट साइड में आपको निगेटिव वाला आएगा और जीरो के राइट साइड में आपको पॉजिटिव वाला आएगा। ठीक है, तो इसको एक प्रूफ देख लेते हैं क्यों नो रिलेशन हमेशा आएगा। आप देखिए जैसे दो इक्वेशन है, सेकेंड और फोर्थ दो इक्वेशन हम लोग को दिया गया है, उस पर पूछा जा रहा है, तो एक क्या है, निगेटिव पूछा जा रहा है, तो निगेटिव कहीं ना कहीं यहाँ से लेके इधर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, चलिए यहाँ ले लेते हैं, और एक पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव यहीं पे होगा, तो ए वाला जो पार्ट होगा एक्स का होगा। दूसरा यदि इसके लिए वाई का इक्वेशन यदि इसको लेते हैं, तो इसमें भी क्या है, एक पार्ट निगेटिव, तो कहीं ना कहीं तो जीरो से लेफ्ट में ही होगा, तो यहाँ पे आएगा, और दूसरा पार्ट पॉजिटिव, नो मैटर यहाँ तक जाए। लेकिन अब देखिए ये वाला जीरो पार्ट है, इतना दूर में आपको ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब भी ओवरलैप हो तो आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। तो इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, एकदम याद कर लीजिए कि जब भी दो इक्वेशन का, और बशर्ते आपके पीछे एक जो कंडीशन ए लगा हुआ है कि जो ए स्क्वायर वाला टर्म का साइन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कि यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी सी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब कि ए वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर के टर्म यदि नहीं रहे तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए,
यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो उसको पॉजिटिव बना के तब कंपेयर कीजिए इसको, ठीक है। ऐसे नहीं कि माइनस एक्स स्क्वायर वाला दिया है, यहाँ पे माइनस आया और एक में प्लस और माइनस यहाँ पे आया, आप क्या बोल दीजिएगा नो रिलेशन, ऐसा नहीं हो सकता। नो रिलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को पॉजिटिव रखने पर यदि कॉन्स्टेंट टर्म का साइन निगेटिव आ रहा है दोनों में, तब उसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। क्यों हुआ, देखिए निगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो एक्स तो जीरो से लेफ्ट में आएगा एक वैल्यू, एक वैल्यू जीरो से राइट में आएगा। सेम दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक वैल्यू जीरो से लेफ्ट में आएगा, जीरो से राइट में दूसरा आएगा। तो उस दोनों के बीच कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा ओवरलैपिंग तो हो रहा है। ओवरलैपिंग होने का मतलब है कि उसके बीच का रिलेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो रिलेशन कैन बी फाउंड होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि क्या है, तो देखते हैं क्वेश्चन इस। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, 32y² + 4y - 21 = 0, 8x² - 10x - 63 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन दिया गया है और हम लोग से पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा। अब देखिए हम लोग को ध्यान क्या रखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाला कोफिशियंट क्या पॉजिटिव है, सी का साइन दोनों में निगेटिव है, ध्यान रखिए सी का साइन क्या है, दोनों में निगेटिव है। सी का साइन दोनों में निगेटिव है तो हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, सीधा आंसर क्या मारेंगे, नो रिलेशन। इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन, ठीक है। इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि आपको क्रॉस चेक करने का मन है तो आप इसका रूट निकाल सकते हैं, इसका आंसर नो रिलेशन ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग का ये दिया हुआ है दो इक्वेशन, x² + 45x - 46 = 0, y² - 10y - 24 = 0। हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, आपको क्रॉस चेक करने का मन होगा तो रूट निकाल के देख लीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, पॉजिटिव है। वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट मतलब स्क्वायर वाले टर्म का कॉफिशियंट पॉजिटिव है। सीधा देखेंगे हम लोग इसका साइन क्या है, दोनों में निगेटिव साइन है। कॉन्स्टेंट टर्म का साइन क्या है, निगेटिव है दोनों में। इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। इस दोनों एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। चलिए इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते, सेम यहाँ एग्जांपल है 8x² - 22x - 21 = 0, दूसरा है 24y² + 10y - 11 = 0, दोनों का साइन पॉजिटिव है। चलिए अपना काम बन गया, कॉन्स्टेंट टर्म का साइन निगेटिव है दोनों में है, आंसर क्या होगा, नो रिलेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। तो इसको याद रखिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर या मतलब कोई भी स्क्वायर वाला टर्म को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। यदि कांस्टेंट टर्म का साइन दोनों इक्वेशन में निगेटिव हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, नो रिलेशन। चलिए इसमें एक और ट्रिक छिपा हुआ है, इस चारों इक्वेशन में एक और ट्रिक छिपा हुआ है, उस ट्रिक को भी देखते हैं क्या है वो ट्रिक। चलिए हम लोग का दूसरा ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। वेन एवर साइन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, मतलब कि जो सी है, सी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। मतलब कि वेन एवर साइन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव एंड इन टू इक्वेशन वन हैज़ पॉजिटिव साइन ऑफ एक्स, एक्स बोलने का क्या मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, मीन्स एक्स कहने का मतलब है कि जो बीच वाला टर्म है ना उसका साइन का बात हो रहा है। वेन एवर वन हैज पॉजिटिव साइन, चलिए एक में पॉजिटिव साइन है और दूसरे के पास निगेटिव साइन है, मतलब कि दूसरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। ये क्या बोला है कि वेन एवर साइन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, मतलब कि कॉन्स्टेंट टर्म का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, चलिए होना ही चाहिए। दूसरा बोला है कि इन वन इक्वेशन साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे एक्स मतलब क्या है, दूसरे इक्वेशन में वाई होगा या क्यू होगा या कुछ और वेरिएबल ले लेगा, लेकिन उसका फॉर्म तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो एक का जो एक्स का जो कोफिशियंट का साइन है वो पॉजिटिव हो और दूसरे का कोफिशियंट का साइन निगेटिव हो, तो उस केस में जिसका भी कोफिशियंट एक्स के कोफिशियंट वाला निगेटिव साइन है उसका वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव वाले वैल्यू से हमेशा ग्रेटर देन होता है, ठीक है। इसको गांठ बांध लीजिए, यदि नहीं समझ में आए एक बार और आपको बताता हूँ। वेन एवर साइन ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब सी का जो साइन है पॉजिटिव होना चाहिए, ए तो पॉजिटिव होना ही चाहिए क्योंकि ये वाला कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है।
उसमें से बोला है यदि दो इक्वेशन हम लोग के पास है उसमें से एक में क्या है, एक्स का कोफिशियंट जो है, एक्स का जो साइन है, एक्स के कोफिशियंट का साइन है, एक में पॉजिटिव है दूसरे इक्वेशन में निगेटिव है, तो जिस इक्वेशन में निगेटिव है एक्स का साइन वो इक्वेशन जो है उस इक्वेशन का जो वैल्यूज़ है उस इक्वेशन का जो रूट्स है वो हमेशा बड़ा होगा जो पॉजिटिव इक्वेशन जो पॉजिटिव साइन है ना जिसका एक्स वाले का उसके साइन रूट से हमेशा बड़ा होगा। मतलब निगेटिव वाला जो एक्स का जो निगेटिव वैल्यू है वो उसका रूट जो है हमेशा बड़ा होगा एक्स के पॉजिटिव वाले वैल्यू से। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग का एक एग्जाम्पल है 6x² - 49x + 99 = 0, दूसरा है 5y² + 17y + 14 = 0। अब देखिए दोनों में जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका साइन पॉजिटिव है, एक में क्या है निगेटिव है एक्स का कोफिशिएंट, दूसरे में क्या है पॉजिटिव है। आपको बताया निगेटिव साइन वाला हमेशा बड़ा होता है, मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। इसीलिए आप पार्ट वन को रिवाइंड कर सकते हैं, पार्ट वन में फिर से जाके देखिए जहाँ पे दो इक्वेशन था मैंने बोला था कि इसको बिना देखे ही सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ पे जाके गौर से देखिए यही वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक है सॉरी सेम फॉर्म बन रहा है जहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन क्या था पॉजिटिव था, एक में जो एक्स का कोफिशिएंट का साइन था पॉजिटिव, दूसरे में एक्स का कोफिशिएंट का साइन था निगेटिव, तो जिसका निगेटिव है वो हमेशा बड़ा होगा पॉजिटिव वाले से। मतलब कि इसमें निगेटिव है मतलब कि एक्स वाला जो वैल्यू होगा हमेशा वाला बड़ा होगा वाई वाले वैल्यू से। तो इसको वेरीफाई करने के लिए पार्ट वन को एक बार और आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बोला था कि उसको बिना कलम चलाए जस्ट देख के ही उसका आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं। चलिए इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल है 255x² - 386x + 143 = 0, 42x² + 89x + 45 = 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है पॉजिटिव है, जो एक्स का कोफिशिएंट है एक में निगेटिव है दूसरे में क्या है पॉजिटिव है, तो ए वाला रूल के अंडर फॉलो कर रहा है। इसका मतलब निगेटिव वाला वैल्यू क्या है एक्स है, हमेशा पॉजिटिव वाले वैल्यू से क्या होगा बड़ा होगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल नॉट इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन वाई। यदि आपको मन हो तो इसका रूट्स निकाल के देख लीजिए, यही आपका जो आंसर आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई ही आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पांच में से, तो एक क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं पांच में से एक क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंसर को मार्क कर सकते हैं। ठीक है तो ये तो था ए वाला ट्रिक। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। चलिए तो हम लोग के पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ax² + bx + c = 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a + b + c 0 हो जाए तो आंख बंद करके उसका क्या कीजिए, एक रूट जो होगा पहला रूट वो तो 1 होगा, ठीक है, और दूसरा रूट जो होगा वो कितना होगा c/a होगा, मतलब कि कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ x², ये हमेशा होगा। चलिए इसको याद कर लीजिए, जब भी ax² + bx + c = 0 के इक्वेशन में a + b + c = 0 हो जाए तो पहला रूट तो 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा c/a होगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे x² + 5x - 6 = 0। सबसे पहले क्या करते हैं इसका रूट निकाल लेते हैं। इसका रूट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 5 को 3 और 2 में बांटेंगे, x² के कोफिशिएंट को निगेटिव करके भाग दे देंगे। ठीक है ठीक है, इसका क्या आएगा x² - 5 = 6, लेकिन यदि यहाँ पे 3 दूना 6 करते हैं तो -6 हम लोग को साइन नहीं आ रहा है तो इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं 5 को हम लोग 6 और -1 मिला देंगे। सॉरी कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया, 5 को हम लोग 6 और -1 मिलाएंगे तो इसका क्या होगा -1 से तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पहला रूट क्या आएगा 1, दूसरा रूट क्या आएगा 6, मतलब 6/-1 को क्या कर सकते हैं -6 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 5, सी का वैल्यू कितना है -6, a + b + c 0 आ रहा है, 1 + 5 6 - 6 0 आ रहा है, इसका मतलब कि पहला रूट क्या होगा 1 जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा रूट क्या होगा c/a, c यहाँ पे कितना है इस इक्वेशन में c कितना है
-6 है, ए कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मतलब कितना आया -6। तो इसको हम लोग बिना सॉल्व करे डायरेक्ट इसको आंसर दे सकते हैं, चूंकि ये इजी था। चलिए एक अच्छा ले लेते हैं क्वेश्चन जहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट से कितना इजीली हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए लेते हैं उसको एग्जाम्पल को। चलिए तो हम लोग के पास नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है, 1 है, बी का क्या है, 45 है, सी का क्या है, माइनस 46। ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि एक्स का जो पहला वैल्यू हो तो 1 होगा ही होगा। दूसरा जो वैल्यू आएगा एक्स का, दूसरा रूट जो आएगा कितना आएगा, सी बाई ए। सी कितना है, माइनस 46 बाई 1, मतलब कि कितना होगा, माइनस 46। तो इसको बिना सॉल्व किए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स का पहला वैल्यू क्या आएगा, 1, दूसरा वैल्यू क्या आएगा, माइनस 46। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ क्या बोलते हैं, 5 सेकेंड के अंदर भी आपको सब कुछ सोच लेना पड़ेगा। जो पहले ट्रिक पढ़े थे, क्या सी का जो कांस्टेंट टर्म का साइन निगेटिव है, नो रिलेशन आ सकता है क्या, जस्ट 5 सेकेंड के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। या सी का दोनों में सी का जो साइन है वो पॉजिटिव है, एक में एक्स वाला पॉजिटिव, दूसरे में एक्स वाला निगेटिव है क्या, या ए वाला फॉलो हो रहा है क्या। ये सब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना जल्दी स्ट्राइक करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली जो भी कॉन्सेप्ट था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कस कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, इस पे अच्छे लेवल के 5 क्वेश्चन को अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो आजकल जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं स्क्वायर रूट वाला या क्यूब रूट वाला, उस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब नेक्स्ट पार्ट 3 लेंगे तो उसको लेंगे, और एक हो सके तो अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करके पार्ट 4 भी इस पे बनाएंगे। तो चलिए अभी तो स्क्वायर रूट के बारे में नहीं सोचते हैं, स्क्वायर रूट ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है वही, स्क्वायर रूट ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन कभी कभी क्यूब वाले भी पूछे जाते हैं, तो उसको आगे के पार्ट्स में देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन को एक एक करके। तो चलिए हम लोग के पास क्वेश्चन ये है, 5x² माइनस 34x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कुछ दिख रहा है क्या, कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, एकदम छोटा से छोटा फैक्टर बनाएंगे। तो 45 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 तिहाई 45 लिख सकते हैं, 5 को 5 लिख सकते हैं। अब कुछ बन रहा है क्या, 50 25 और 3 तिहाई 9। चलिए 25 और 9 हम लोग को क्या बन रहा है, इसका फैक्टर बन रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 34 को क्या कर सकते हैं, -25 और -9 कर सकते हैं। रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशियंट को निगेटिव करके भाग देना पड़ेगा, तो -5 से भाग दे देंगे। ये दोनों पॉजिटिव आ गए, ये पहला रूट क्या आ गया, 5, दूसरा रूट क्या आ गया, 1.8। अब एक चीज़ यहाँ भी गौर देखिए, दोनों रूट क्या है, पॉजिटिव है। आपको पीछे क्या बताए थे, कैसे साइन निकालते हैं, जो एक्स वाला है उसको अपोजिट कर दीजिए तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस लाने के लिए, प्लस से प्लस लाने के लिए प्लस में क्या करना पड़ेगा, प्लस से ही गुना करना पड़ेगा, तो दोनों का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो इसका रूट हो गया। इसके वाले इक्वेशन का रूट देखते हैं, तो इसका कुछ आ रहा है, 21 को हम लोग 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2, 19 लाना है हमको, तो 19 लाने के लिए 7 दूना 14 करेंगे, 3 दूना 6 लेकिन 20 आ जाएगा, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 और 7 19। चलिए 2 दूना 4 तिहाई 12 और 7 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 19 को हम लोग क्या कर सकते हैं, -12 -7। रूट निकालने के लिए इसके कोफिशियंट को निगेटिव करके भाग देना पड़ेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कितना आया, 3, ये कितना आया, 1.75, ठीक है। एक 3 आया, एक कितना आया, 1.75 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। एक्स ये 1.8 ले लेते हैं, ये 5 ले लेते हैं, ठीक है। ये किसका एरिया है, एक्स का एरिया है, ये वाला एरिया जो है किसका है, एक्स का एरिया है। अब वाई का एरिया क्या बोला है, 3, 3 तो क्या आएगा, 1.8 और 5 के बीच में ही आएगा 3, और दूसरा क्या है, 1.75, 1.75 तो 1.8 से इधर ही आएगा, ये कितना है, 1.75, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू एरिया किसका है, वाई का। अब देखिए यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वही हम लोग को देखना है। तो इसका आंसर तो नो रिलेशन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। आंसर इसका क्या आएगा,
नो रिलेशन आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? नो रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है एक्स और वाई के बीच, वैल्यू के बीच में, ठीक है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइज करने में थोड़ा सा दिमाग लगना चाहिए। 60 कौन कितना लिख सकते, 2 दूना 4, 4 5 20, यही 60 गुना 7। हम लोग को फाइनली लाना कितना है, 89। 89 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 दूना 4 5 20, तियाई 60 नहीं आएगा, 2 दूना 4 तियाई 12 7 84, मतलब 2 दूना 4 तियाई 12 7 84 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, -84 -5 रूट निकालना है, इसके निगेटिव करके भाग देंगे, -7। ये दोनों, ये कितना आ जाएगा, 12। ये कितना आ जाएगा, 0.7, 7 49 0.71 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 168 को कितना कर सकते हैं, 84 इंटू 2 कर सकते हैं, 84 को कितना लिख सकते हैं, 12 गुना 7 84 दूना 168 गुना 2 गुना 3। हम लोग को लाना कितना है, 86। फाइनल एम हम लोग को क्या है, 86 लाना। तो 12 से काम चल जाएगा, या इसको और छोटा कर दूं मैं, यदि देखते हैं 12 7 84, लेकिन उतना तो 86 नहीं आएगा। तो 12 36 दूना 72, 12 36 दूना 72 और 14 86। चलिए, तो इसका कितना आ जाएगा, 72 और 14। इसका कितना आएगा, -72 और 14। रूट निकालने के लिए -6 से डिवाइड करना पड़ेगा, -6 से, दोनों तो पॉजिटिव होगा। ये कितना आया, 12। ये कितना आया, 6 दूना 12, 36 18, 2.33 आएगा, ठीक है, 2.33 आएगा, हाँ 2.33 आएगा। अब इसका रिलेशन क्या होगा, इसको अपन क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने से क्या आता है, इसको देखते हैं, इसको 0.71 को यहाँ पे लाते हैं, 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0.7 को वहाँ पे। तो ये वाला एरिया किसका है, ये वाला एरिया, जो ये एरिया किसका है, एक्स का एरिया है। अब वाई के लिए क्या बोला है, 2.33, तो 12 से पहले ही होगा, ये कितना आएगा, 2.33 से लेकर के 12 तक। यहाँ भी क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x² + 33x + 108 = 0। 108 को कहते हैं 12 9 108, 12 12 × 3 × 3 × 2। हम लोग को फाइनल लाना कितना है, 33। यदि इसको लिख सकते हैं हम लोग, 12 3 36 और 6 नहीं आएगा, 12 33 लाना है, 6 12 2 24 और 9, चलिए आ गया 24 और 9, इसका पार्ट्स आ गया। एक कितना होगा, 24, दूसरा कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। अब इसको रूट लाने के लिए इसके साइन को निगेटिव करके डिवाइड कर देंगे उसके कोफिशियंट को। चलिए, ये कितना आया, -12। ये कितना आया, -4.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 99 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 3 × 3 × 5। हम लोग का एम क्या है, 56 लाना। 56 लाने के लिए कितना, 11 3 33 5 48 आ जाएगा, 11 5 55 और 9 ये भी नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं, 5 3 15 और 33 48 नहीं है, 5 3 15 3 45, 45 और 11, ठीक है। 5 3 3 एक साथ और 11 एक साथ, मीन्स 45 और 11 का हम लोग को पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, 45 और 11 का, 45 इसमें क्या करना पड़ेगा, -5 से यहाँ भी, -5 से यहाँ, ये कितना आ जाएगा, -9। ये कितना आ जाएगा, -2.1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम यहाँ पे देखिए, -12 तो इधर आएगा, -4.5 इधर आएगा। ये किसका एरिया होगा, एक्स का, 2.1 2.1, -9 लाने के लिए, तो यहाँ से -9 जाएगा, 2.1 इधर ही आएगा, माइनस में है, तो फिर यहाँ भी ओवरलैप हो रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। यहाँ भी ओवरलैप हुआ, इसका आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 56x² - 81x + 2128 = 0। अब हम लोग का एम है 81 लाना, बट इस दोनों के हेल्प से, तो 28 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, 56 को लिख सकते हैं 7 × 8, 8 नहीं काम चलेगा, तो 8 को और छोटा कर देंगे,
देखते हैं 81 लाना है, 81 लाने के लिए 8 दूना 16 दूना 32, चलिए 7 सत्ते 49, 8 चौका 32, 32 और 49 81 आ रहा है, मतलब 32 और 49 आएगा। क्या आएगा इसका, एक तो 49 आएगा, -49, एक -32। रूट निकालना है तो इसके निगेटिव साइन से आपको भाग देना पड़ेगा, इसके निगेटिव साइन से भाग दे, दोनों पॉजिटिव हो गया। ए कितना आएगा, 7/8। ए कितना आएगा, 8 से काटेंगे तो 4/7। 7/8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.875। 8 7 8 64 6 8 7 56, 8 5 या 7/8 कितना हो जाएगा, 0.875, या जिसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1/8 आपको बताए थे डेटा इंटरप्रिटेशन में कितना होता है, 12.5। 7/8 कितना हो जाएगा, 87.5%। 87.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना आएगा, 0.875, ठीक है। 4/7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.55, ठीक है। इधर लेते हैं 63 को कितना लिख सकते हैं, 3 × 3 × 7, 4 को 2 × 2, हम लोग को लाना कितना है, 37। 37 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 7 × 3 = 21, 3 × 2 = 6 × 2 = 12 नहीं आएगा, 7 चौक 28, हाँ 7 चौक 28 और 3 × 3 = 9, मीन्स 28। और दूसरा कितना आएगा, 28 और दूसरा 9 आना चाहिए, तब तो 37 आ जाएगा ना, 28 × 9, 3 × 3 = 9 = 63, 2 × 2 = 4, तो इसका कितना आएगा, 28 × 9, मतलब पहला पार्ट कितना आएगा, 28, दूसरा पार्ट कितना आएगा, 9, मतलब कि साइन तो वही होगा, -28 और -9, यहाँ पे -4 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर यहाँ से दोनों तो पॉजिटिव हो, ये कितना आएगा, 7, ये कितना आएगा, 2.25 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो देख के ही लग रहा है, एक्स का वैल्यू इधर आएगा, क्योंकि यदि इसको 0.875 लेंगे तो 0.55 यहाँ आएगा, यदि इसको 2.25 ले रहे हैं तो 7 यहाँ आएगा, इतना रेंज वाई का है, इतना रेंज एक्स का है, इसका मतलब क्या, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, वाई इज ग्रेटर देन एक्स आएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 29x + 70 = 0। 70 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 नहीं होगा, 14 × 5 = 70, मतलब कि 2 × 7 × 5 × 3, हम लोग को एम क्या है, 29 लाना, तो हाँ आ तो गया, 5 × 3 = 15, 7 × 2 = 14, तो 15 और 14, मतलब कि एक पार्ट -15 होगा, एक पार्ट -14 होगा, इसको -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना आ गया, 5, ये कितना आ गया, 4.67 आना चाहिए, ठीक है, 4.67। इसको 40 को हम लोग लिख सकते, 2 × 2 = 4 × 8 = 45 × 3, तो हमको एम कितना है, 23 लाने का, 23 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 × 3 = 15, 2 × 2 = 4 × 8, 15 और 8 आएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट कितना आया, -15, दूसरा पार्ट कितना आया, -8, रूट निकालना है, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, ए कितना आया, 5, ए कितना आया, 2.67 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, नंबर लाइन पे बिठाए, एक तो 4.67 और ए 5, ये किसका एरिया है, एक्स का एरिया है, दूसरे का एरिया क्या है, 2.67, 2.67 यहाँ कहीं आएगा और 5 तक, देखिए संजोग से यहाँ भी ये वाला पार्ट तो नहीं, ए वाला पार्ट यहाँ भी ओवरलैप हो रहा है, यहाँ भी नो रिलेशन, गाइस ये मेरा इंटेंशन नहीं था, बट संजोग से आज का जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है, 5 का 5 शायद शायद एक को छोड़ के 5 के 4 के 4 में ना नो रिलेशन आया है, मेरा इंटेंशन नहीं था, बट ऐसे ही क्वेश्चन लिया और संजोग से सारे का आंसर एक को छोड़ करके नो रिलेशन ही आया, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या आंसर आ रहा है, एग्जाम में भी यदि आपको 5 में से 3 का भी नो रिलेशन आ रहा है और आप कॉन्फिडेंट है मार्क करके आइए, ये मत सोचिए कि नो रिलेशन सबका 5 में से 3 का क्यों आ रहा है, तो ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि वो लोग देते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर नो रिलेशन, यदि नो रिलेशन किसी क्वेश्चन का आंसर है तो है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप राइट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है नो रिलेशन, गो फॉर इट, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, आज के सेशन को क्लोज करते हैं, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पूछा पढ़ा क्या,
हाउ टू गेट साइन ऑफ रूट्स, दूसरा यदि किसी इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो पहला रूट वन आता है, दूसरा रूट सी वाई ए आता है। और उस पे बेसिस हम लोग क्या किए, एग्जाम्पल देखे थे जहाँ पे दो ट्रिक्स बनाए थे साइन वाले में, कि माइनस सी यदि हो तो माइनस सी यदि दो इक्वेशन का हो और एक्स स्क्वायर वाला कोफिशियंट पॉजिटिव हो तो हमेशा नो रिलेशन आता है। दूसरा देखे थे कि यदि कांस्टेंट टर्म यदि साइन पॉजिटिव हो और एक्स वाले का एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव हो तो निगेटिव वाला हमेशा बड़ा होता है पॉजिटिव वाला से। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि केवल वही बड़ा होता है, उसके अलावा भी और जगह भी बड़ा हो सकता है, बट उस केस में बड़ा होगा ही होगा बड़ा, ठीक है। और उस पर हम लोग 5 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, 5 में 1 क्वेश्चन का ट्रिक तो ऐसे जान लिए जहाँ पे हम लोग कलम भी नहीं उठाए पेन भी नहीं उठा सकते और डायरेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं, और ज़्यादा चांसेस है कि 5 में से 1 क्वेश्चन इसमें से दे दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला तो उसको देखेंगे। सो आज का सेशन इसको यहीं पे हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ और हाउ टू डील विद दैट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स इक्वेशंस। सो चलिए नेक्स्ट आज के सेशन क्लोज करने से पहले वही सेम सूचना आप लोगों को देना चाहिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक कर दीजिए यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छा है, कुछ हेल्प हो रहा है आपको तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स के बीच शेयर करना मत भूलिए, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial। आपके सहूलियत के लिए मैं क्या करूँगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा ताकि वो आप डायरेक्टली वहाँ क्लिक करके फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक क्या करिए, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।